और वो फरमाएगा कि गुनाहगारों तुम आज अलग हो जाओ। ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को न पूजना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है, और उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर दिया था, तो क्या तुम समझते नहीं थे? यही वो जहन्नम है जिसके तुम्हें धमकी दी जाती थी। जो तुम कुफ्र करते रहे हो उसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ। आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहे थे इनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और इनके पांव इसकी गवाही देंगे, और अगर हम चाहें तो इनकी आंखों को मिटाकर अंधा कर दें, फिर ये रास्ते को दौड़ें तो कहां से देख सकेंगे, और अगर हम चाहें तो इनकी जगह पर इनकी सूरतें बदल दें, फिर वहां से वो न आगे जा सकें और न पीछे लौट सकें, और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे तखलीक में औंधा देते हैं, यानी उसे बचपन की कमजोरी वाली हालत की तरफ लौटा देते हैं, तो क्या ये समझते नहीं? और हमने इनको यानी अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर गोई नहीं सिखाई, और न वो इनको शाया ही है, ये तो महज नसीहत है और साफ साफ कुरान है, ताकि उस शख्स को जो जिंदा हो खबरदार करे और काफिरों पर बात पूरी हो जाए।